पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी व जल सप्लाई एवं सैनिटेशन विभाग के मंत्री बेगम रजिया सुल्ताना जी की ओर से हमारे पंजाब में पधारे सभी माननीय सांसदों व अन्य डेलीगेट सहबान का हार्दिक अभिनंदन। प्रस्तुत है जल सप्लाई व सैनिटेशन विभाग की उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट। भारतवर्ष में जब जब जल की बात होती है, पंजाब को सदा जल की धरती के रूप में जाना जाता है, जो कि इसके नाम में ही झलकता है। पंजाब को हरा भरा, स्वस्थ और पूर्ण विकसित राज्य बनाने में भूमि जल के अनमोल खजाने का विशेष योगदान रहा है। अपना कृषि उत्पादन बढ़ाकर पंजाब को देश का अन्नदाता कहलवाने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त हुआ, परंतु पंजाब को इसकी भारी कीमत भी अदा करनी पड़ी। जब धान की निरंतर खेती ने पंजाब के भूमि जल के स्तर और गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाया, तो इसके समाधान के लिए जल सप्लाई विभाग ने विश्व बैंक, नाबार्ड, भारत सरकार के जल जीवन मिशन की वित्तीय सहायता से सरफेस वाटर स्कीम एवं वाटर क्वालिटी कार्य को विशेष अहमियत देते हुए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, जिसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं, उनके योग्य नेतृत्व तथा विभाग की माननीय मंत्री श्रीमती रजिया सुल्ताना जी की दूरदर्शी सोच ने विभाग का मार्गदर्शन किया। विभाग के प्रमुख सचिव श्रीमती जसप्रीत तलवार IAS के कुशल नेतृत्व में गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक प्रभावी योजना बनाने के उद्देश्य से पूरे पंजाब का सर्वेक्षण करवाया गया, जिसमें यह सामने आया कि 1 अप्रैल 2021 की स्थिति के अनुसार 1525 बस्तियां गुणवत्ता प्रभावित थीं, जिनमें 803 बस्तियां आर्सेनिक से, 282 फ्लोराइड से और शेष अन्य यूरेनियम, लोहा, भारी धातु आदि से प्रभावित थीं। इन गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए पंजाब सरकार ने पहली प्राथमिकता के रूप में सतही जल परियोजनाओं के रूप में दीर्घकालिक उपाय स्थापित करने की नीति को मंजूरी दे दी है। जहां पर सतही जल संभव नहीं है, वहां विभाग ने इन लाइन आर्सेनिक कम आयरन रिमूवल प्लांट्स स्थापित करने का निर्णय लिया। साथ ही इस अवधि के दौरान अल्पकालीन उपाय भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विभाग की नीति के अनुसार सरफेस वाटर आधारित बड़ी योजनाओं को आरंभ करने की राज्य सरकार से मंजूरी ले ली गई है। इस योजना के अंतर्गत 1 फरवरी 2021 को इस कड़ी का पहला सरफेस वाटर प्रोजेक्ट पंजाब के जिला मोगा में माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोकार्पण किया। मोगा जिला के 2 ब्लॉक बाघा पुराना एवं निहाल सिंह वाला के 85 गांव यूरेनियम प्रभावित पाए गए। इस योजना के अंतर्गत 3,62,000 लोगों के घरों में शुद्ध जल पहुंचाया जा रहा है। 218 करोड़ की लागत से डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर के आधार पर बना यह प्रोजेक्ट LNT कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि 10 वर्षों के पश्चात सरकार को ट्रांसफर किया जाएगा। प्रतिदिन 50 करोड़ लीटर जल को शोधित करने की क्षमता वाला यह प्रोजेक्ट पूर्ण रूप से ऑटोमेटिक है। इस प्रोजेक्ट में बेहतरीन एवं आधुनिक स्काडा सिस्टम का प्रयोग किया गया है, जिससे 24 घंटे पानी की सप्लाई और इसकी गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। इस प्रोजेक्ट में हर घर में वाटर मीटर की भी व्यवस्था है, जिससे पानी को व्यर्थ जाने से बचाया जा रहा है। इस तरह के अन्य 10 सरफेस वाटर प्रोजेक्ट्स जिला पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, अमृतसर, गुरदासपुर, तरन तारण में भी लगाए जा रहे हैं। सरफेस वाटर पर आधारित इन प्रोजेक्टों पर राज्य सरकार 1032 करोड़ रुपए का निवेश करके 1021 गांवों के लोगों को शुद्ध पानी दिसंबर 2022 तक उपलब्ध करवाने जा रही है। पंजाब के नीम पहाड़ी क्षेत्रों और पानी की कमी वाले जिलों के 623 गांवों के लिए 911 करोड़ रुपए से 5 नई योजनाएं भी तैयार की गई हैं। इन बड़ी योजनाओं को लागू करने के लिए
2-3 वर्षों का समय चाहिए। अतः उपभोक्ताओं को तुरंत राहत प्रदान करने के उद्देश्य से स्टॉप गैप अरेंजमेंट अर्थात अल्पकालिक उपायों के रूप में इन क्षेत्रों में कम्युनिटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट व आरओ प्लांट लगाने के साथ साथ घरों में हाउस होल्ड प्योरीफायर भी बांटे जा रहे हैं। जिन क्षेत्रों में कैनाल वाटर सप्लाई संभव नहीं है, उन क्षेत्रों में आर्सेनिक एवं आयरन रिमूवल प्लांट लगाए जा रहे हैं और ऐसे 155 गांवों में 121 योजनाएं संपूर्ण कर ली गई हैं। 60 करोड़ की लागत वाले ये प्रोजेक्ट आईआईटी मद्रास द्वारा नैनो मटेरियल बेस्ड एड्सॉर्प्शन टेक्निक के अंतर्गत लगाए जा रहे हैं। इन सभी उपचार संयंत्रों में पानी में पाई गई गुणवत्ता की कमी को पूरा करने के लिए पंजाब सरकार ने 120 करोड़ रुपए का भारी निवेश किया है, ताकि ओएंडएम और इस बुनियादी ढांचे की स्थिरता सुनिश्चित हो सके। इसके लिए विभाग इन सभी परियोजनाओं के लिए आईओटी आधारित रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग स्थापित कर रहा है। अमृतसर में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित नियंत्रण केंद्र से सभी संयंत्रों की निगरानी की जाएगी और विभाग के अधिकारी संयंत्रों के नैदानिक अध्ययन, बिजली की खपत, दैनिक उपयोग, कार्य क्षमता की स्थिति, मरम्मत की स्थिति, पानी की गुणवत्ता आदि की जांच और निगरानी कर सकेंगे। इस सब को ध्यान में रखते हुए सरकार जल गुणवत्ता कोष स्थापित कर रही है, जिसका उपयोग पानी की गुणवत्ता में कमी को दूर करने वाली संरचना की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक धन एकत्र करने और विशिष्ट कार्यों के लिए धन रखने के लिए किया जाएगा। पूरे भारत में यह सरकार द्वारा की जाने वाली अपनी तरह की नई पहल है। वाटर क्वालिटी की ओर विशेष ध्यान देते हुए विभाग ने गौरवपूर्ण परियोजनाओं का आरंभ किया है। 3-टायर लैब नेटवर्क के अंतर्गत स्टेट लेवल लैब, मल्टी डिस्ट्रिक्ट लैब और सब डिविजन लैब स्थापित की जा रही हैं, जबकि 2 प्रयोगशालाएं पहले से ही NABL से मान्यता प्राप्त हैं। विभाग का उद्देश्य सभी प्रयोगशालाओं को NABL से मान्यता प्राप्त करवाना है, ताकि सरकारी प्रयोगशालाओं के परीक्षण के प्रति जनता में विश्वास पैदा किया जा सके। पहले चरण में 18 प्रयोगशालाओं को NABL से मान्यता मिल जाएगी और सभी पूर्व आवश्यकताएं पूरी कर ली गई हैं। इन सभी प्रयोगशालाओं को 31 अगस्त 2021 तक NABL से मान्यता मिल जाएगी। दूसरे चरण में शेष 11 प्रयोगशालाओं की मान्यता की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, ताकि 30 सितंबर 2021 तक कार्य पूरा किया जा सके। ये सभी प्रयोगशालाएं जनता के लिए खोली गई हैं, जो बहुत ही कम शुल्क पर अपने नमूनों की जांच अपने नजदीकी प्रयोगशालाओं से करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पिछले सालों में 561 करोड़ रुपए खर्च करके 2,812 गांवों की 2,251 योजनाओं को पूर्ण किया गया है। जल सप्लाई के साथ साथ हर घर पानी, हर घर सफाई लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वच्छता क्षेत्र की उपलब्धियों में भी विभाग पीछे नहीं है। खुले में शौच मुक्त लक्ष्य की प्राप्ति विभाग ने मार्च 2018 में कर ली थी। स्वच्छ भारत मिशन के अधीन लगभग 770 करोड़ की लागत से 5,13,000 शौचालयों का निर्माण किया गया और अब ODF प्लस अर्थात खुले को शौच मुक्त बरकरार रखने में भी विभाग उतना ही कार्यशील है। 1545 गांवों में 1557 कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स यानी CSCs बनाए जा रहे हैं, जिस पर 32 करोड़ 70 लाख खर्च किया जाएगा, जिससे न सिर्फ गांव वासियों को बल्कि गांव में आने वाले प्रवासी मजदूरों व अन्य यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। 93 करोड़ की लागत से 62,000 शौचालय बनाए जा रहे हैं। 79 गांवों के सॉलिड वेस्ट प्रबंधन के लिए 331 करोड़ और 104 गांवों के लिक्विड वेस्ट प्रबंधन के 21 करोड़ के प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों की मदद से गांव के तालाब की सफाई और नवीनीकरण किया जा रहा है। पंजाब भारतवर्ष का पहला राज्य है जिसने ग्रामीण क्षेत्रों के 22,415 स्कूलों में पाइप्ड वाटर सप्लाई का प्रबंध किया है। लगभग 7,152 स्कूलों में शौचालय बनाए गए, जिससे बच्चे शुद्ध पानी और स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरूक हो रहे हैं।
मार्च 2022 के अंत तक विभाग हर घर जल हर घर सफाई के मिशन की प्राप्ति के लिए वचनबद्ध है। धन्यवाद।